आज दर पे चल के आया है मौका। कहाँ है दिख क्यों नहीं रहा? 16 तारीख को है बे, आज नहीं 16। तो मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में आज चलते ही नहीं चलते, बट हर वर्ल्ड कप अभी लास्ट 2015 में वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया था, मौका मौका, और हर बंदा रिलेट कर रहा था क्योंकि सब बंदे ढूंढ रहे मौका वही था देता। और एक्चुअली ये गाना वायरल हुआ था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता तुम सबने देखा होगा वो, कि जहाँ पे संजय मिश्रा जी है हमारे, तो वो छत पे बैठे होते हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ से बंदा आके कहता है आज दर पे चल के आया है मौका, और एक पूरी बैटल होती है उनको देखते हुए। और जो फन थी कि मतलब बेसिकली कव्वाली चल रही है वहां पे और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज था उसमें। तो आज स्टार स्पोर्ट्स वालों ने एक और नया वीडियो निकाला है, तो वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि स्टार स्पोर्ट हरामी है, तो मैं फुटेज दिखाएगा बट कमेंट्री भेजेगा कि क्या हो रहा है। स्टार स्पोर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट है, अब तुम गाओ, समझ गए? लाइएगा ना इसी बात पे, तो मीडिया कंपनी कैसे लेते हैं। तो सीन शुरू होता है जहाँ पे पाकिस्तान बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और बांग्लादेश पीछे से आता है, भाईजान 7वीं बार मौका। तो पाकिस्तान बड़े प्यार से बोलता है ऑल द बेस्ट, कूल, वेरी गुड, वेरी नाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश क्यूरियस हो जाता है कि भाई बस ऑल द बेस्ट बोल रहा है, ऑल द बेस्ट, घूरता रहता है। तब पाकिस्तान वाला समझाता उसको कि कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मेरे अब्बू कहते थे, मेरे अब्बू कहते थे। इतने में इंडिया आता है। मैंने कहा बे कुछ भी, देखो इंडिया और पाकिस्तान का जो भी सीन है ना उसमें बस दो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको लगता है वो बाप है, इंडिया को लगता है हम बाप है, और एक्चुअली कुछ है नहीं वो। बट पासपोर्ट्स, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जब ये चीज शुरू हुई थी ना, मेरे को प्यार था इन चीज से। मतलब फॉर एग्जांपल, पहली क्लिप जो मुझे याद है कि 1992 में एक यंग लड़का वर्ल्ड कप का मैच देख रहा पाकिस्तान की साइड से, खुश है वो, बट जैसे वो पटाखे लेके आता है टीम हार जाती है। फिर अगले 5 साल बाद एक यंगस्टर पटाखे लेके आता है, फिर टीम हार जाती है इंडिया से। अगली बार में बंदे की शादी होगी, बीवी प्रेग्नेंट है, बट फिर भी एक्साइटेड है बंदा कि भाई पाकिस्तान जीतेगी, और ऐसा प्यार इंडिया में भी है इंडिया को लेके। बट हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ हम ऐसा सीन नहीं करते क्योंकि लास्ट ईयर हमने हरा दिया साउथ अफ्रीका का, और ऐसा वैसा नहीं आता। 130 रन से रहा लास्ट वर्ल्ड कप में, ठीक है, बकवास नहीं करनी साउथ अफ्रीका से कोई भी। अभी उसका बच्चा हो जाता है, बच्चे पटाखा फोड़ने के लिए एक्साइटेड होता है, बट पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है। और इनोसेंस है इस पूरी सीरीज में ना, एक इनोसेंस है इस पूरे आर्ट सीरीज में, एक इनोसेंस है जहाँ पे एक जेन्युइन फैन है, वो किसी को हेट नहीं दे रहा, बट बस एक ख्वाहिश है कि वो इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहता है, जो एज एन कंट्रीमैन सूटेबल करती है। और यही लोग रिलेट कर रहे थे, इंडिया वाले इसलिए क्योंकि हम जीत रहे हैं, और पाकिस्तान वाले इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली उनकी हालत है। कौन बोला ये? मैं नहीं बोला, बट ये सच्चाई है। कौन बोल रहा है? फिर से कोई बोला, मैं नहीं बोला। Stop it. Get some help. और ये जो पूरी कहानी प्रेमिसेस बताने के बाद उन लोगों ने गाना लॉन्च किया था जिसमें संजय मिश्रा जी थे हमारे, और उसके बाद ये पूरी एड शुरू की। जब भी इंडिया का मैच होता था ट्रांसपोर्ट वाले एक एड बनाते थे, और बहुत बहुत सही एड था, जो भी वो कैंपेन दौड़ा रहा था बहुत सही था वो। और पहला ही मैच लास्ट टाइम पे इंडिया के साथ जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका का हुआ था, कुछ टीनेजर्स टीवी देख रहे होते हैं और फिर एक साउथ अफ्रीका की टीम से आते हैं पटाखे देने उनको, मौका मौका, और इसमें इंडिया जीत जाता है। तो जो नेक्स्ट एड आता है उसमें पाकिस्तान वाला जो बंदा था वो साउथ अफ्रीका को झाड़ रहा था, साले फिर हार गए तुम लोग भी, और फिर यूएई वाले आते हैं क्योंकि उनका अगला मैच इंडिया के साथ होता है, और वो उसको अपनी जर्सी देता है, हम जीतेंगे, बट इवेंचुअली वो भी हार जाता है। अपना नेक्स्ट एड उसमें यूएई वाले को झाड़ रहा होता है, फिर हार गए तुम। और इसका जो अगला एड होता है ना, इसमें स्पॉन्सरशिप होती है, तो यपमीम से एक डिलीवरी गाय आता है, वो उनको पैकेज देता है जिसमें एक वेस्ट इंडीज की टी शर्ट होती है, सबकी उम्मीदें जग जाती हैं। इतने में डिलीवरी गाय वापस आता है, इस बार तो पटाखे फोड़ नहीं पाओगे आप, पहली चीज, ऐसी चीजें नहीं सोचे, ना ये बंटवारे वाली चीजें नहीं चलने साले, तुम ट्रांसपोर्ट वालों अंग्रेजी चीजें मत करो मेरे सामने, पाव लगे तुम्हें। मतलब थ्रू आउट दी सीरीज जितना मैंने बताया, तुम खुद सोचो जो बंदा पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तान को, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा नाइस दिखाते हैं, और फन पार्ट डालने के लिए सिर्फ हमेशा इंडिया ही आता है। इस बार तुम पटाखे तो फोड़ नहीं पाओगे, तो होली खेलो, ये क्या बात हुई बे? और इस साल का मैंने क्या बोला? अब सीरियसली क्यों जाना वहां तक? तुम्हें पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी होता है, इंडिया में भी बहुत सारे होंगे जो बाप बेटा वाले शुरू कर देंगे, पाकिस्तान में बहुत सारे होंगे जो बाप बेटा शुरू कर देंगे, और फालतू की ऑनलाइन लड़ाई होती है उसमें, क्यों करनी? मतलब सीरियसली ये जो पासपोर्ट वाली वीडियो है ना, वो आग में घी डालने वाला काम करती है। हाँ तुम तो लड़ोगे, हम और बढ़ाएंगे, पुश करेंगे तुम्हें, पुश।
साले तुम मेरे को मोहम्मद छत पे ले जाके भेज देना तो बस ट्रांसपोर्ट चल। मैं बस इतना बोल रहा कि जो पाकिस्तान जैसे पोर्ट्रेट कर रहा है ना वो बहुत नाइस, और एक्चुअली मैं वो बंदा होना जो बूढ़ा आदमी है, और वो देख के मैं सोचता हूँ हाँ ठीक है नाइस वेरी नाइस, बट जिस वे से तुम इंडिया पोर्ट्रेट करते हो ना, हाँ हर टाइम पे उंगली मारनी है, सोचो बैठ के एक पल के लिए। और सेकंड ना मेरे को प्रॉब्लम इसलिए है कि भाई मौका मौका नहीं है इस बार मौका मौका है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट वालों सारी गलतियां माफ है, अगली बार जो भी ऐड आएगा ना मौका मौका बजना चाहिए 2.0 मौका 2.0 चाहिए भाई चाहिए, वही तो पहचान है यार। बड़ा ये मेरे ओपिनियन है, मैं एक्चुअली थोड़ा बुरा लगा ये चीज, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब देख रहा हूँ इतना बड़ा फैन उस गाने का कि मेरे को पूरी याद है वो कहानी, और दूसरा मैंने आज ही सर्च किया है कौन बोला जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट प्लेयर्स के बीच में वो लोगों के बीच में भी होनी चाहिए, और ऐसे एड बना के चाहे वो फनी क्यों ना थोड़ा तो मतलब बैलेंस रखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ। मैं बस सोचता हूँ अगर पाकिस्तान में स्टार स्पोर्ट्स वाले हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे ऐड बना के वो प्ले कर रहे हैं, क्या वहाँ पे वो पाकिस्तान को विलन बनाते होंगे क्या? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि स्टार स्पोर्ट के ये ऐड वहाँ पे भी प्ले होते थे क्या टीवी पे, और अगर होते थे ना लेट मी नो अगर तुम पाकिस्तान से हो। मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा इसलिए मैंने कवर कर लिया, प्लस आई लव दैट सॉन्ग, सो शायद मैं अकेला बंदा हूँ जो इतनी वियर्ड थॉट रख रहा है, ये ऐड देख के फन कॉमेडी मुझे पता है कहाँ तक होती है, बट बात पे नहीं जाना चाहिए था मेरे को ऐसा लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो हम सब करते रहते कमेंट में, देख लो ना इसमें इस वीडियो में कितने कमेंट होंगे पाप लगे तुम्हें। सो या ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, इस वीडियो लेट मी नो। मैं ये वीडियो में क्या इनको बोलूंगा ये एपिसोड नहीं करेंगे, आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया, और आज का नोटिफिकेशन शाउट आ जा रहा है इस बंदे या बंदी को, अगर तुम भी चाहते कि तुम्हारा नाम इन वीडियो में शेयर दिस वीडियो टैग में दैट पोस्ट, क्या पता अगले वीडियो पुराना नाम भी आ जाए, जस्ट इन केस तुम उन लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले मत करो, अगर आज शेयर नहीं करा तुमने पापी डिलीटेड जो किया हटा देना, मैंने कसम खुदा की तुम्हारे, मेरा तो है ही नहीं, मेरा भगवान है जो लंदन रहता है मेरा बड़ा भाई क्या बकवास कर रहा हूँ तो बस आज के लिए इतना काफी है, आप सभी मुलाकात करते हैं कल, अब तक के लिए ईसा मालूम है जाओगे तो वो नहीं, तुम इसी के लिए तो आते हो, पूरी वीडियो तो बकवास ही होते साले, डिलीटेड जोक से वीडियो बनानी पड़ेगी, चलो तुम रख गए तो एक छोड़ देता हूँ जोक साले पाद नहीं। सो एक बार पति पत्नी बात कर रहे होते, तो पत्नी बोलती है सुनो जी आप ना गाड़ी चलाते हो गाली देना बंद करना चाहिए आपको, क्या हो गया क्यों करूं, अरे हमारा 4 साल का चिंटू रेड लाइट को मादर हो समझता है और स्पीड ब्रेकर को माँ का भोपड़ा। Why are we still here? एक बार एक बंदा अपनी एक्स से मिलता है, तो एक्स उससे पूछती है हाउ डू यू डू, तो लड़का रिप्लाई करता है मैं वही पुराना टांगों को कंधे पे घचा घच भोपड़ी की पूछ रही हूँ कैसा है, वैसा ही लंबा काला मुझे क्या कर रहे हो, कौन है से आते हैं? एक बार पप्पू एक बस के पीछे भाग रहा था, बड़ी तेजी से भाग रहा था, बस वाले ने देखा फिर भी नहीं रोकी, जैसे तैसे थोड़ी दूर भागने के बाद वो बस में चढ़ गया, गुस्से में पहुंचा ड्राइवर के पास और उससे पूछा ये बस तेरी माँ लगती है, नहीं तेरी बहन लगती है, नहीं तेरी बीवी लगती है, नहीं तो भोपड़ी का चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था। दुनिया में सबको भूत मिल जाते हैं हमें छोड़ दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी वाली की भूत है कि साला किसी मिनिस्टर का इस्तीफा देने को तैयार नहीं यार, पाप लगे उसे, जनता माफ नहीं करेगी। एक बार गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के पास गई, उसने पूछा मटर पनीर बिरयानी मलाई कोफ्ता गुलाब जामुन खाओगे तुम, पलट के बोला हाँ चल खेत खाते चल रुक जाओ अगले महीने शादी है मेरी वहीं पे आ जाना फ्री में खिलाएंगे, मैं भूखे ही सो जाता हूँ आज ऐसे घड़िया जो मारने से अच्छा तो साले कुत्तों की जिंदगी। कल जितने भी इमोशंस आए हमारे ना सारे मतलब लिटरली आधे से ज्यादा लोग इंस्टा पे टैग मारते मेरे को, पापियों मेरे को अगर टैग मारो ना मेरी स्क्रीनशॉट के साथ मेक श्योर तुमने लाइक करी है वीडियो, अगर तुमने लाइक नहीं करी मैं शेयर नहीं करूंगा स्टोरी बता रहा हूँ पक्का। तो आज की शायरी पे देता हूँ 2-3 ताकि मुझे इंस्टाग्राम पे टैग मिल जाए, निंदा टेक्निक ना जाने क्यों तुम्हारे बिना अधूरी सी लगती है मेरी शायरी, ना जाने क्यों तुम्हारे बिना अधूरी सी लगती है मेरी शायरी, मानो जैसे मेरी हर शायरी की रूह हो तुम। वाह क्या बात क्या बात। एक बार एक बाबा सूसू कर रहे थे, एक लड़की ने देख लिया, लड़की हंसते हुए बाबा आपका तो चावल जितना है बड़ा, ये पुराना चावल है आपके पतीले में जाके बड़ा हो जाएगा, मैं सीरियसली आग लगा लूंगा अपने आप को अगर तुमने ऐसे जोक के बाद भी लाइक नहीं किया, पाप लगे मुझे मैं जा रहा हूं पाप लगे तुम्हें, घटिया जोक पे बुरा मत मानो, बट एक बात याद रखना जिंदगी में अगर हर दरवाजा बंद हो जाए तो एक खिड़की होती है जो खुली होती है, तो उसे बंद करो एसी ऑन करो और सो जाओ,
हर बात मोटिवेशन थोड़ी होती है बे। साले एनर्जी बचाओ। मेरे पास एसी नहीं, इसलिए सोता नहीं। पाप लगे, कौन बोल रहा है? आज का ज्ञान, अगर आपका मन भी किसी काम में नहीं लगता तो जरूरी नहीं कि ये इश्क है। हो सकता है आप मेरी तरह निहायती काम चोर हो। I'm just saying, bro. और चीज प्यार थोड़ी दे।